नमस्कार डॉक्टर दीपक केलकर एक्सक्लूसिव में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप इतने सालों से इस विषय को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी सफल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। तो डॉक्टर साहब, यानी शारीरिक का जो हम बोलेंगे, इसमें शारीरिक या मानसिक जो भी सेक्स की जो बीमारियां हैं, वो शारीरिक कितने प्रमाण में है और मानसिक कितने प्रमाण में होती है? देखो, ये ऐसा है कि 40 साल की उम्र के पहले जी यदि कोई बीमारी सेक्स की होती है जी जी तो ज्यादातर वो मानसिक रूप के मतलब मानसिक कारण से है। जी बिल्कुल 40 साल के पहले जी कुछ होती है तो ज्यादातर मानसिक कारण जी है। 40 साल के बाद में यदि कुछ हो रहा है जी और वो पहली बार हो रहा है तो हो सकता है कि उसके लिए शारीरिक कारण हो सकता जी है ना। बिल्कुल नपुंसकत्व वो जो आता है जी और बिल्कुल लिंग में कड़कपना नहीं आता, उसके लिए फिर शारीरिक कारण हो सकता है। जी और वो कारण काफी सारे हो सकते हैं कि जी भाई पीठ में कुछ तभी प्रॉब्लम आना, जी जी पीठ की नस दब जाना, जी या अपनी जो मतलब जिसमें खून बह रहा है ब्लड वेसल्स, जी जी तो वो ब्लड वेसल में वो छोटी हो जाना, जी जी ऐसे काफी सारे कारण हो सकते हैं कि जी जिसकी जी वजह से खून जी जो है वो लिंग में पहुंचता नहीं है। जी बिल्कुल और लिंग में खून पहुंचा नहीं तो फिर वो लिंग में कड़कपना आता नहीं है जी बिल्कुल ना। तो 40 साल के पहले हो गया तो मोटा मोटा हिसाब कि जी जी भाई वो मानसिक है, 40 साल के बाद में होता है तो वो शारीरिक है। जी लेकिन उपचार सभी का होता है उपचार तो सभी का होगा, ऐसा वाली नहीं आता। जी अभी बिल्कुल जैसा मैंने पिछले बार भी बताया था कि अभी जो दवाइयां निकली है, सिल्डेनाफिल है, जी टाडालाफिल है, जी जी फिर अभी इंजेक्शन है पेपेवरिन, तो जी जी वो इंजेक्शन देखे वो हो सकता है। जी अभी जैसा मेरे पास में अभी एक कपल आया था, पति पत्नी आए थे, अभी जी उन्होंने सब ट्राई करके जी रख दिया, जी जैसा उन्होंने सब दवाई खा लिया, जी आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, जी एलोपैथी हो गया, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, सब तरह की दवाई हो गया। जी उनको मैंने बोला भी आपको काउंसलिंग की जरूरत है, जी इनको मैं काउंसलिंग करता हूँ। जी काउंसलिंग और उसके साथ साथ मैंने उनको जो पेपेवरिन का इंजेक्शन है, जी वो जी पेपेवरिन का इंजेक्शन लिंग में देना पड़ता है। जी उसको एक टेंशन था दिमाग में कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, जी जी तो उसको जैसा डायबिटीज के लोग जी जी जैसा खुद इंसुलिन लेते हैं, जी जी वैसे ये इंजेक्शन है कि जो लिंग में लेना पड़ता है खुद ने खुद से। जी जी उसको मैंने इंजेक्शन लेने के लिए उसको ट्रेनिंग दिया, जी वो सिखाया, वो घर पे गया, जी उसने वो किया, तो जी उससे क्या होता है, वो इंजेक्शन से कड़कपना आ जाता है, जी बिल्कुल उसका सेक्स हो गया। जी सेक्स होने के बाद में उसको लगा कि नहीं भी अपन कर सकते हैं, मैं भी जी कर सकता हूँ, जी और वो कर सकता हूँ ऐसा उसको लगा, जी उसका कॉन्फिडेंस सेल्फ बढ़ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ गया जी उसने मैंने बोला और एक बार ले ले तू इंजेक्शन ताकि जी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसने जी और एक बार इंजेक्शन ले लिया, जी जी और बाद में उसका एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद में फिर जी कहीं डॉक्टर साहब आगे ऐसा तो नहीं हो। होता कि फिर वो अगर इंजेक्शन एक बार अगर शुरू हुआ तो फिर वो इंसुलिन के समान नहीं मतलब नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि कॉन्फिडेंस का ही प्रॉब्लम रहता है। जी जी एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि अपन कर सकते हैं, जी बिल्कुल फिर बाद में उसका एक बार लाइन पे लग गया हो जाता है। फॉर्चुनेटली इसमें क्या है कि पत्नी का जो हिस्सा है वो बहुत महत्व का है, जी बिल्कुल पत्नी ने शांति रखना बहुत जरूरी है, जी जी इसलिए हम उसको काउंसलिंग कर दे कि भाई पत्नी की शांतता, जी उसने यदि उसके पीछे टेंशन लगाया जी कि देखो ये आपको नहीं होता है तो फिर मैं जा रही मायके, जी जी या फिर ये संबंध अपने खराब हो खराब जाएंगे, या फिर मेरे को डिवोर्स चाहिए, जी जी तो फिर इसमें ऐसा टेंशन दिया जी जी तो पहले ये टेंशन में रहता जी है, पत्नी ने और कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया इधर जी कि भाई नहीं तो मैं चली जाऊंगी, जी तो फिर और टेंशन आता है, जी उसमें होता ही नहीं। जी तो पत्नी का यानी उसमें हिस्सा बहुत इसमें बहुत जरूरी है, अहम बहुत रोल होता है, चाहे बहुत फिर जरूरी है। मानसिक हो या शारीरिक हो, पत्नी का अहम जो रोल होता है इसमें वो काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, आप सेक्स के अलावा व्यसन का भी आप बहुत प्रचार करते हैं, व्यसन मुक्ति का भी काम करते हैं, शराब हो या फिर तंबाकू हो, या आपके पास किस प्रकार के रोगी आते हैं? ज्यादातर हमारे पास में जो आते हैं वो शराब के आते हैं, शराब जी के आदि आते हैं लोग, जी उसके साथ साथ सिगरेट, जी बीड़ी, तंबाकू, जी और फिर गांजा, जी और बहुत कम प्रमाण में ब्राउन शुगर। जी तो ज्यादातर तो है शराब के लोग आते हैं, जी और शराब मतलब उसमें सब तरह की शराब, जी और वो लोगों का ऐसा है कि वो एक आदत आदि बन चुके हैं वो। जी बिल्कुल तो उसमें दो प्रकार है कि एक खुद होके आता है कि नहीं मेरा इलाज करना है, जी वो खुद होके आ गया तो बहुत ही आसान है उसका इलाज करना, जी और वो बिल्कुल उसमें 100% रिजल्ट मिल जाते हैं। जी बिल्कुल काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को आदत है नहीं, मेरे को इलाज करना ही नहीं है, जी तो उनके फिर घर वाले आते हैं, घर से जी कोई लोग आते हैं, जी बोलते भाई इनके लिए कुछ ना कुछ इलाज करो, जी दवाई दो, जी उनको बिल्कुल पकड़ के लाएंगे, जी वो एडमिट करवाएंगे, जबरदस्ती उनका इलाज जी करवाएंगे, और फिर एक बार उसका नशा उतर गया, जी 2-3 दिन तक उसका नशा उतरने में टाइम लग जाता है, जी फिर वो खुद तैयार होना चालू हो जाता है, फिर बोलता है ठीक है मैं करूंगा। जी उसको हम दवा भी देते हैं बाद में, जी ऐसी दवाई है जी मेडिसिन कि जी वो गोली खाने से उसके शरीर में वो एक बार गोली गई जी और बाद में उसने शराब पिया जी तो उसकी जोरदार रिएक्शन आती है, और वो जी रिएक्शन आने के बाद में उसको उल्टी आना,
पसीना आना, हाथ थरथर आना, ऐसी काफी सारी रिएक्शन आती है जी। तो उसको ये मालूम पड़ता है कि नहीं भाई अपन गोली खा रहे तो शराब नहीं लेना नहीं चाहिए। तो हम अक्सर बोलते हैं पत्नी को कि भाई अभी इनको तुम बाहर जाने के पहले गोली दे दो, गोली दे दो रोज जी, और आने के बाद में गोली दे दो ताकि ये लेंगे नहीं शराब। उससे काफी अच्छे रिजल्ट है और लोग 100% शराब। डॉक्टर साहब, कई समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन आते हैं कि शर्तिया शराब छुड़ाइए न सांगता, तो ये सच होते हैं कि या कहीं तो भी विज्ञापन क्या है? शब्दों का जगलरी कुछ होती है, शब्दों की जगलरी है और ये क्वैक्स है जी, है ना? ऐसी गारंटी रहती थी तो फिर तो शराब की सब दुकानें बंद होना चाहिए जी, बिल्कुल है ना, शराब की दुकान तो बहुत चल रही है जी, तो ऐसी गारंटी नहीं रहती जी कि भाई शराब छूटेंगे ही कोई गोली से जी, है ना, मगर अपन अपने तरफ से कोशिश करते हैं जी और उसमें फिर यश मिलता है जी। तो डॉक्टर साहब, आपके जो इतने साल का जो अनुभव है तो उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने इलाज लेने के बाद टोटली शराब बंद कर दिया? ऐसे हमारे पास में करीब करीब 80% लोग ऐसे है, 80% लोग जी कि वो शराब दवाई के बाद में बराबर लेने के बाद में छोड़ देते हैं जी जी। 20% लोग है वो भी छोड़ते हैं जी जी, मगर वो जैसा अंदर बार जी जी होते रहते, कभी छोड़ देते फिर 4-6 महीने छोड़ देंगे जी जी, है ना, फिर पकड़ लेंगे फिर छोड़ देंगे, ऐसे 20% लोग चालू बन रहे, बाकी 80% लोग हमारे यहाँ छोड़ देते शराब जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आप हिप्नोटिज्म भी उसके भी आप विशेषज्ञ हैं, तो आपने पहले वो हिप्नोटिज्म स्वयं के ऊपर करने के लिए आपने सीखा, उसकी वो जो क्लासेस वगैरह भी लेते, तो वो अभी शुरू है या क्या? हाँ चलो है ना वो जी। हिप्नोटिज्म में क्या है कि देखो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जी जी, वो सबकॉन्शियस माइंड है 90% जी जी, और कॉन्शियस माइंड है 10% जी। हमको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के वजह से है जी, जो भी प्रॉब्लम है जी सबकॉन्शियस माइंड में सब वो बातें जाके बैठी हुई है जी। अब सब एक फॉर एग्जांपल मुझे देना है तो कि सबकॉन्शियस माइंड समझो ये घोड़ा है जी, और कॉन्शियस माइंड जो है वो घोड़ सवार है जी, है ना, हॉर्स राइडर जी, बिल्कुल। अब वो सबकॉन्शियस माइंड को यदि लाइन में लाने का है जी और उसको बराबर जो उसको बुरी आदतें है जी जी या वो बुरी तरह से वो बर्ताव कर रहा है तो उसको लाइन में लाने के लिए कॉन्शियस माइंड मतलब घोड़ सवार ने घोड़े को कंट्रोल करना है जी, तो हम घोड़सवार जो है मतलब कॉन्शियस माइंड है जी जी उसको हम सिखाते हैं कि घोड़े को कैसा कंट्रोल में लाना जी जी। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि हिप्नोटिज्म में हम उनको सिखाते हैं कि कॉन्शियस माइंड को जी जी। कि भाई सबकॉन्शियस माइंड को सूचना देके सजेशन देके सजेशन देना जी जी। और सबकॉन्शियस माइंड को लाइन में लाना कंट्रोल करना जी जी। ताकि उसमें जो भी बीमारियां हैं जी वो ठीक हो जाएगी जी। जैसा चिंता है भय है फिर लोगों को बाहर जाने का बहुत डर लगता जी जी, है फोबिया, एक फोबिया इतनी बड़ी बीमारी है फोबिया जी जी कि लोगों को घर से बाहर जाने का डर है जी, घर से लोग बाहर जा सकते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बाहर जाऊंगा और अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा जी जी, मैं मर जाऊंगा। ऐसे कई लोग ऐसे कई प्रकार के फोबिया है डॉक्टर साहब बहुत, जैसा कि किसी को ऊंचाई से डर है, किसी को पानी देख कर डर लगता है, किसी को अकेला लगता है, किसी को लगता है कि जो बिजली कड़क रही वो मेरे आंख आ जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो है हार्ट अटैक का डर जी जी, उसमें उनको इतनी घबराहट आती है, छाती में धड़कन हो जाती है जी जी, पसीना तर हो जाता है जी, और उनको लगता है कि अभी मुझे कुछ तो भी हो जाएगा जी, इसलिए वो बाहर गए होंगे समझो तो घर भाग आ जाएंगे या फिर बाहर ही जाएंगे नहीं जी। अच्छा अकेला रहना उसका भी डर लगता है कि मैं अकेला रहूं और मर जाऊंगा तो कौन आएगा जी, तो अकेले रहते नहीं हो जी। दूसरे इसके साथ साथ मतलब जैसा हार्ट अटैक है, बाहर जाना है, पानी का डर है, ऊंचाई का डर है, सफर करने का डर है, कोई एनिमल्स जो है उनका डर है जी जी, वैसे काफी सारे डर है जी। इसके साथ साथ दूसरा जो है वो है कि बार बार विचार आना जी, इतने विचार वही 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 विचार आ जाएंगे उसको, बार बार विचार आएंगे हाँ, और इसमें साफ सफाई के विचार ज्यादातर आएंगे जी, हाथ धोने के विचार आएंगे बार बार हाथ धोना, फिर कोई लोग हाथ धोना के विचार आते फिर अपने हाथ गंदे हो गए तो हाथ धोने चले जाएंगे, कोई लोग अपना शरीर गंदा है करके स्नान करने चले जाएंगे जी, तो दो दो तीन तीन घंटा स्नान करेंगे जी, 50 बार हाथ धोएंगे जी, उनके हाथ सफेद हो जाते हैं जी, तो ये मतलब गंदगी है जी और अपन गंदे है जी, ये अपन किसको हाथ लगाएंगे तो गंदा हो जाएगा जी जी, ऐसी तो ऐसे विचार आ जाते, भावना हो जाती है जी। और इसमें दो प्रकार है, एक तो एक प्रकार बार बार डर जो है डरावने ख्याल आने का जी, कि उनको मालूम है कि होऊंगा नहीं तभी भी बार बार डर आता जी। जैसा एक लेडी मेरे पास में आई थी जी, उसको बार बार ही विचार आ रहा था कि वो उसके बच्चे का गला घोट देंगी जी, ऐसा बार बार विचार आ, उसको मालूम है कि मैं गला घोटने वाली हूं नहीं जी, और उसको इतना डर लगता कि मैं गला घोटू तो क्या होगा ऐसा, तो एक वो है। और तीसरा जो जो कॉमनली दिखाई देता है वो है स्टटरिंग जी, हकलाना बोलने में जी, अटक जाना जी, वो काफी इसमें वो सम्मोहन के माध्यम से मैं जो बोल रहा हूँ ये जी, फोबिया जी, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये स्टटरिंग या स्टैमरिंग,
ये भी अच्छा होता है सम्मोहन से। चौथा जो है कॉमन जो दिखाया जाता है वो है डिप्रेशन, निराशा जी, निराशा के विचार आना और निराशा और आत्महत्या के विचार आना जी जी। तो वो तो ये जो तीन चार पांच जो बातें जो है जी, वो सम्मोहन के माध्यम से बहुत अच्छी हो सकती है। डॉक्टर साहब जैसे आप सम्मोहन स्वयं पर ही आप खुद को सम्मोहन करो ऐसा आपने शुरू किया है, काफी हाँ, सालों से आप कर रहे हैं हाँ, हाँ, तो डॉक्टर साहब इसमें कोई एज लिमिट होती है, कुछ एजुकेशन का वो होता है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं, अगर सीखना चाहते हैं हमारे जो दर्शक है तो कोई भी सम्मोहन सीख सकता है जी। और वो सम्मोहन हमारे यहाँ मतलब एक 10 हफ्ते का उसका ट्रेनिंग लेते हैं, 10 वीक्स जी जी, है ना, 10 वीक्स से ट्रेनिंग लेते हैं, उसको सिखाते हैं, बाद में उसको प्रैक्टिस करते करते वो खुद अपना खुद का चालू कर सकता है, क्लिनिक या काउंसलिंग जी जी, है ना, उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं फिर बाद में, वो पेशेंट भी ठीक कर सकता है, दूसरों को भी सीख सकता है। और फिर दूसरे और एक लोग है कि जो खुद के लिए आते जी, कि हमको खुद को सीखना है, खुद को जो प्रॉब्लम है हमको प्रॉब्लम हमारा ठीक, बस उसके लिए भी लोग आते हैं जी। डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने डिप्रेशन की बात की, दुनिया की एक नंबर की ऐसी परेशानी है सभी की डिप्रेशन, अभी काफी दिनों से वो एक चर्चा चल रही है ब्लू व्हेल गेम, हाँ, जिसके अंदर वो जो भी है, जो गेम जिसने बनाया है रशिया के जो उन्होंने उसने कि ऐसे लोग खेलते हैं जो मानसिक रूप से बीमार है या कहीं तो भी तनावग्रस्त है जिनमें नकारात्मक भावनाएं ज्यादा है, तो आप एक मानसोपचार विशेषज्ञ हैं तो आप इस गेम को किस नजर से देखते हैं और हमारे जो दर्शक है वो अगर देख रहे हैं तो वो क्या उनको आप कहना चाहेंगे? ये होता क्या है कि बच्चे उसमें काफी उसके मतलब बलि पड़ रहे हैं जी, है ना जी, बिल्कुल उसका उसका शिकार हो रहे हैं जी जी, ये ब्लू व्हेल गेम का जी। क्या होता है कि घर में यदि इनसिक्योरिटी है जी, है ना, अशांत वातावरण है जी, भय है जी, या फिर घर में सपोर्ट नहीं है जी जी, माँ बाप घर से सपोर्ट नहीं कर रहे जी, दोनों भी घर घर के बाहर है जी, है ना, घर में बाकी कोई बातचीत करने के लिए नहीं है जी, तो बच्चे ज्यादातर फिर पढ़ाई कितनी रहती है, बहुत कम पढ़ाई रहती है जी, बच्चों को फिर ज्यादातर फिर वो मोबाइल के चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि टाइम पास कैसे करना जी, टीवी देखो, मोबाइल खेलो, मोबाइल में इंटरनेट है, यूट्यूब है जी, बाकी क्यों अलग 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 एप्स है वो खेलते बैठो, इसमें फिर एक लोगों को चस्का उसका लग जाता है जी, कैसा कि भाई कुछ चैलेंजिंग नहीं है तो उसको लगता है कि भाई ये चैलेंजिंग है, चलो मैं करके देखता हूँ जी जी जी, उसको खुदकुशी करने की इच्छा नहीं रहती जी, चैलेंजिंग है करके देखेंगे और अपन उसमें बलि नहीं पड़ेंगे जी जी, और वो चैलेंजिंग है करके उसको ले लेता है जी, है ना। और ज्यादातर लोग जो एडिक्ट है जी, है ना, फेसबुक के, व्हाट्सएप के जी जी, या ये एप्स के एडिक्ट है या अलग अलग गेम्स के एडिक्ट है, वो उसमें खींचे जाते हैं जी, बिल्कुल। एक बार वो एडिक्ट हो गए, मैं पहले बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में एक बार वो जाके बैठ गया कि मेरे को करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड ही उसको बार 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 करने लगा था उसको, भले ही कॉन्शियस माइंड को लगता है कि मैंने नहीं करना चाहिए, मगर सबकॉन्शियस माइंड उसको अंदर से इतना फोर्स करेगा कि मैंने वो करना चाहिए जी जी। तो उसमें 1 से 50 एटम है जी, है ना, अलग अलग तरह के एटम दिए हुए जी, काफी सारा वो सर्कुलेट भी हो चुका है जी जी, कि भाई सवेरे 4 बजे उठो जी जी, और रस्ते पे चिल्लाते हुए जाओ जी, फिर अपने आप को मार लो जी, है ना, ऐसा अलग अलग काफी सारे उसमें 50 अलग अलग एटम, 50वां लास्ट जो एटम है जी जी, वो है कि बिल्डिंग के मतलब टॉप फ्लोर पे जाओ, वहां से कूद करके आत्महत्या करो जी, ऐसा है। तो इसमें यही है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मेरे ख्याल से डायरेक्टिव भी आया हुआ है जी जी, कि ये जो ऐप है इसको बैन करो और इंटरनेट जो है उसके माध्यम से लोगों को मिलना नहीं चाहिए करके जी, बिल्कुल आज ही कुछ तो भी आया था मैंने पढ़ा हो जी। तो ये जो लोग जो निराशा के शिकार होते हैं वो लोग ज्यादा वो लोग ज्यादा इसमें ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और क्या होता है इसमें कि बच्चों की निराशा है मालूम ही नहीं पड़ता जी, लोगों को लगता है कि बच्चे कैसे क्या निराश हो सकते हैं जी, जी बच्चों को ऐसा डिप्रेशन आ सकता है, मगर बच्चों को भी डिप्रेशन है जी। मेरे अभी अभी 3 बच्चे भर्ती है मेरे यहाँ राइट नाउ कि जिनको डिप्रेशन है और हिस्टीरिया की बीमारी, उनको झटके आ रहे जी, और झटके आ रहे करके उनको फिट है जी, एपिलेप्सी है करके उनको एपिलेप्सी की दवाई बाहर के डॉक्टर दे रहे थे, अभी वो फिट है जी, और डिप्रेशन की वजह से उसको झटके आ रहे जी, ये एक बार मैंने देख लिया तभी वो अच्छे हो गए जी। भाई हमारे जो दर्शक है उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं कहीं तो भी डिप्रेशन में है, कोई भी चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, एकांत फ्री हो रहे हैं, या ऐसे बड़े लोग भी है तो वे ऐसी किसी भी भोंदू बाबा या उनको ना बताते हुए एक मानसोपचार विशेषज्ञ जो होते हैं उनसे सलाह जरूर ले, ऐसा मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ये बहुत गहन विषय है, आप एक मानसोपचार है, आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास एक से एक उदाहरण ऐसे आए होंगे, हम भी देखते हैं दिनचर्या में भी हमें पता चलता है कि ये कुछ तो भी डिप्रेशन में दिख रहा, कुछ अलग हरकतें करेंगे, कुछ बार बार एक ही बात दोहराएंगे,
या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे ऑफिस में भी ऐसे लोग आते हैं, एक बार बताने के बाद 3 बार वापस आके बताएंगे कि वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये लोग भी सब कहीं ना कहीं तो भी एक डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो इन्होंने एक अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारा विषय तो सेक्स का था, लेकिन और कई विषय इसके अंदर आए। हम फिर जो आपका अगला जो कार्यक्रम होगा, फिर हम एक और कोई नए विषय भी लेंगे। आशा हमारे दर्शकों को हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे डॉक्टर दीपक केलकस एक्सक्लूसिव में, तब तक के लिए नमस्कार।